सो हेलो एंड वेलकम टू शंपा एंड पीयूष ब्लॉग। शंपा एंड पीयूष ब्लॉग के एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पिनाकी। आज का वीडियो मैं ही शुरू किया दोस्तों, इसका एक कारण है, मैं ये बोल देता हूं हमारा ब्लॉग वीडियो आने वाला है। अभी तो फिलहाल शंपा खाना बना रही है, पीयू बाहर खेल रही है और मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ न्यूज़ के जो वेबसाइट्स है, मेरे जो टैब पे जो न्यूज़ के जो ऐप्स है वो मैं ब्राउज़ कर रहा था। करते करते मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिला, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला, तो जिसके चलते मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करना चाहिए। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, प्लीज़ देखते रहिएगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि जून में इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किए थे। हाँ जी हाँ दोस्तों, 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किए थे, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। अभी फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने 43 चाइनीज़ ऐप्स को फिर से बैन किए हैं, अकॉर्डिंग बैन अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो उसमें कौन सा सबसे मशहूर स्नैक वीडियो और अली एक्सप्रेस भी शामिल है। स्नैक वीडियो जो काफ़ी मशहूर हो चुके थे, बहुत सारे उसका जो प्ले स्टोर से उसका बहुत सारा डाउनलोड भी हो चुका था, लेकिन अभी बिल्कुल बैन हो चुका है अलॉन्ग विथ अदर चाइनीज़ ऐप्स। तो मेरे पास वो चाइनीज़ ऐप्स की लिस्ट है, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये चाइनीज़ ऐप्स बैन हो चुका है, और इसलिए बैन हो चुका है कि इससे हमारा डेटा हैक हो सकता है, हमारा जो प्राइवेसी है वो लीक हो सकता है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये जो कदम लिया, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और मैं आप लोगों को वो चाइनीज़ ऐप्स कौन सा बैन हुआ है वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप, अली बाबा वर्क ब्रेंच, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, लाला मूव इंडिया, ड्राइव विथ लाला मूव इंडिया, स्नैक वीडियो, कैम कैड बिजनेस, कैम कैड वेस्टर्न, सोल, चाइनीज सोशल, डेट इन एशिया, वी डेट, फ्री डेटिंग ऐप, एडोर ऐप, ट्रूली चाइनीज, ट्रूली एशियन, चाइना लव, डेट माई एज, एशियन डेट, फ्लर्ट विश, गाइज ओनली डेटिंग, ट्यूबिट, वी वर्क चाइना, फर्स्ट लव लाइव, रेला, कैशियर वॉलेट, मैंगो टीवी, एमजी टीवी, हुना टीवी ऑफिशियल, वी टीवी टीवी वर्शन, वी टीवी सीडी रामा, वी टीवी लाइट, लकी लाइव, टाओबाओ लाइव, डिंग टॉक, आइडेंटिटी वी, आइसोलाइन 2, बॉक्स्टर, हीरोज इवॉल्व्ड, हैप्पी फिश, जेलीपॉप मैच, मंचकिन मैच, कॉन्क्विस्टा ऑनलाइन। सो ये जो 43 चाइनीज ऐप्स है वो बिल्कुल बैन हो चुके हैं। आप लोग कोई अगर इन सब में कोई भी ऐप्स को अगर आप लोगों के मोबाइल पे है तो तुरंत डिलीट कर दीजिए, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहे। मैं तो इन चाइनीज़ ऐप्स में कोई भी ऐप्स यूज़ नहीं करता था और ना तो कभी करूँगा, मेरा तो डेटा फ़िलहाल तो सेफ है। सो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्त लोगों के बीच में। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। शंपा नया वीडियो लेके आएंगे, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। टिल देन स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए शंपा एंड पीयूष ब्लॉग। थैंक यू।